आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन आरआर की टीम वो स्टार्ट को आईपीएल 2023 के सेकंड हाफ में यहां पर कंटिन्यू नहीं कर पाई और आईपीएल 2023 ऑफ के लिए आरआर की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। एक बहुत ही अच्छी टीम होने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप फोर के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई और ऐसे में अगले सीजन से पहले आरआर की टीम आखिरकार किन किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, इन खिलाड़ियों के बारे में आज की वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे। उन सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले खिलाड़ी की बात करें, वहां पर नाम है रियान पराग का। रियान पराग बहुत सालों से इस टीम में खेल रहे हैं, उनकी मतलब आप कह सकते हैं कि उनके रिलेशन भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आरआर की टीम उनको रिलीज कर सकती है और ऑक्शन में इनको कम प्राइस में ले सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं 3.80 करोड़ में आरआर की टीम इनको खिला रही है पिछले दो सीजन से, बहुत ज़्यादा है। इनको ऑक्शन में एक बार डालिए और फिर से कम दाम में इनको खरीदिए। वहीं पर दूसरे खिलाड़ी की बात करें, वहां पर नाम आता है जेसन होल्डर का। जेसन होल्डर ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ये अच्छे पहुँच दे देंगे गेंद के साथ बल्ले के साथ, लेकिन इन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। 5.75 करोड़ इनका प्राइस था, इनको भी राजस्थान रॉयल्स की टीम को रिलीज़ कर देना चाहिए और आरआर की टीम इनको रिलीज़ करने वाली है। जिस हिसाब से आरआर की टीम ने इनको बाद में बाहर बिठा दिया था, तो लग ही रहा है कि ये इनके फ्यूचर प्लान्स में नहीं है, आरआर की टीम इनको रिलीज़ करने ही वाले है। अब बात करें हम अगले खिलाड़ी के बारे में, तो वहाँ पर नाम आता है इंग्लैंड के बैट्समैन जो रूट का। जो रूट भी ज़्यादा कोई मैचेस खेले नहीं, थोड़े बहुत मैचेस खेले, एक मैच में ही बैटिंग आई, लेकिन लग नहीं रहा है कि आरआर की टीम इनको रिटेन करेगी। 1 करोड़ इनका प्राइस और आरआर की टीम डोनोवन फरेरा को भी रिलीज़ करती हुई हमें नज़र आ सकती है, जिनका भी प्राइस 50 लाख था। अब दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात करें, तो वहाँ पर सबसे पहला नाम आता है मुरुगन अश्विन का, जिनको भी रिलीज़ कर देना चाहिए। बहुत कोई इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है। कुणाल सिंह राठौर भी रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं और अब्दुल बारी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और आरआर की टीम कुलदीप यादव को भी रिलीज़ कर सकती है। तो ये कुछ खिलाड़ी जिनको आरआर की टीम को रिलीज़ करना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी है और वहाँ पर नाम आता है देवदत्त पाडिकल का। अब देवदत्त पाडिकल का एक ऐसा पैच आरआर की टीम में फंस गया है कि आरआर की टीम उनको निकालना भी चाहती है और उनको रखना भी चाहती है, क्योंकि देवदत्त पाडिकल एक बढ़िया इंडियन यंग टैलेंट है। अब जगह आरआर की टीम के इनकी प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रही। अगर ये नंबर 3 पर खेलते ओपनिंग करते तो वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे जाता है तो इनकी बल्लेबाजी पर वो दिखता है और ऐसे में वहाँ पर ये पहुँच नहीं दे पाते और आरआर की टीम इनको ज़बरदस्ती खिलाती है, क्योंकि इतने बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर को आप बाहर नहीं बिठा सकते। तो पिछले दो सीजन में हमने देख ही लिया है कि देवदत्त पाडिकल मिडल ऑर्डर में उतना बढ़िया वो पहुंच नहीं दे सकते, तो आरआर की टीम इनकी ट्रेड कर सकती है दूसरी टीम के साथ। एक बढ़िया इंडियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन को वो देख सकते हैं, अगर ओवरसीज देखते हैं तो वो भी बढ़िया है। तो आरआर की टीम इनकी ट्रेड कर सकती है, लेकिन आरआर की टीम को अगर इनको रिलीज कर दिया तो देवदत्त पाडिकल के लिए भी अच्छा रहेगा और आरआर की टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आरआर की टीम अगर इतने खिलाड़ियों को रिलीज करती है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास 19.5 करोड़ के अराउंड पैसा हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास लास्ट ऑक्शन के बाद भी पर्स में काफी अमाउंट बचा था, तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा आरआर के पर्स बैलेंस में। तो आरआर की टीम का जो पर्स बैलेंस है वो अगले ऑक्शन से पहले 20 करोड़ से ज्यादा इजीली चला जाएगा अगर आरआर की टीम इनको रिलीज कर देती है, इन खिलाड़ियों को रिलीज करती है और आरआर की टीम को रिलीज करना चाहिए। और आरआर की टीम को अगर इतने पैसे मिलते तो उसके बाद वो एक अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी देख लेगी और उनको एक बढ़िया डेथ बॉलर चाहिए, ओवरसीज खिलाड़ी चाहिए, वो भी शायद उनको मिल ही जाएगा। तो आरआर की टीम को इन खिलाड़ियों को जरूर रिलीज करना चाहिए अगले आईपीएल ऑक्शन से पहले। आपकी क्या रही है और किन किन खिलाड़ियों को आरआर की टीम को रिलीज करना चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।